ओके फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है फूड सेफ्टी ऑफिसर। ओके, तो फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में बात करते हैं। तो ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम है जिसमें हम बायोलॉजिकल साइंस वाले जैसे एग्ज़ाम, एग्रीकल्चर बायोलॉजी साइंस वाले जैसे बायोटेक्नोलॉजी वाले, बायोकेमिस्ट्री वाले एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आज हम सिलेबस पर बात करते हैं, इसका सिलेबस क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले यूनिट है इसकी केमिकल बॉन्ड एंड फोर्सेस। तो ये फूड सेफ्टी वाले, फूड टेक्निकल जो फूड टेक्नोलॉजी वाले एग्ज़ाम है जो टॉपिक्स है उससे रिलेटेड है। तो ये फूड टेक्नोलॉजी वाली बुक पढ़नी है इसमें, तो ये बेसिक है, ज़्यादा केमिस्ट्री है इसमें, ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो यूनिट है सेकेंड यूनिट, सेकेंड यूनिट में क्या है जैसे टाइप्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन टॉपिक है, इसमें आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो फूड सेफ्टी के लिए, ठीक है, हम बुक बता देंगे आपको। ओके, नेक्स्ट है बायो मॉलिक्यूल, ये जो जनरली है बेसिक बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। तो बायोकेमिस्ट्री कोई बेसिक बुक जिससे एलन के नोट्स पढ़ लो, प्रोटोप्लाज्म वाले उसमें भी मिल जाएगा, और थोड़ी डिटेल चाहिए तो एलन की बुक पढ़ लीजिए, कोई बुक पढ़ लीजिए, ठीक है, उसमें ये हो जाएगा। ये बेसिक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जा रही, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यूनिट है, हाँ फोर्थ यूनिट ये है, ये एनिमल किंगडम से रिलेटेड है, ये जूलॉजी। तो जूलॉजी और इसके लिए एलन के लिए, एलन की जो बुक्स सीट्स है ना उसमें ये क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइव किंगडम, क्लासिफिकेशन प्लांट एनिमल, ये बेसिक पढ़ना है और कुछ नहीं। और उसके बाद में जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ये भी एलन वाले नोट से पढ़ सकते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, पिगमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्ट एंड गैसेस एक्सचेंज, ठीक है, एक्सक्रीशन, ये सब जो एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर से आया था ये सब टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट, ये जीएम, हाँ जी बायोलॉजी है, बेसिक बायोलॉजी किसी बुक से पढ़ सकते हो, चाहे फाउंडेशन से पढ़ रहे हैं, सॉरी बीडीसी से पढ़िए, किसी से पढ़िए, ठीक है। फिर है, हाँ ये एग्रीकल्चर आ गया, तो ये राजस्थान एग्रीकल्चर है, इसमें ज़्यादा डीप में जाना नहीं है। एग्रीकल्चर पर जो जनरली ये है जो एग्रोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक है, इसमें वीट है, मस्टर्ड है, ग्राउंडनट वगैरह, इनका कल्टीवेशन टेक्निक पूछ रहा है ये, ठीक है। तो इसके बारे में जैसे हॉर्टिकल्चर वाले सिट्रस मैंगो वगैरह है, तो ये हॉर्टिकल्चर बेसिक बुक जिसमें से ये कवर हो जाएगा। फिर देखिए इम्पोर्ट एंड लाइफ स्टॉक, ये लाइफ स्टॉक वाला है, तो ये भी एनिमल हस्बेंड्री वाला कोई बुक पढ़ लेना बेसिक, उससे हो जाएगा। फिर हाँ फूड इंडिया राजस्थान में, हाँ जैसे ये जितना लो है, एगमार्क है, पी ओ है, गुड, ओके गुड मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस है, से ये फूड सेफ्टी वाले बुक से मिल जाएगा सब टॉपिक, ठीक है। फिर आ गया राजस्थान जीके, राजस्थान जीके में ये एज ऑफ राजपूत और ये सब, ठीक है, ये राजस्थान जीके से कवर करना है। फिर विजुअल आर्ट्स ऑफ राजस्थान, ये वहाँ से हो जाएगा, ये भी राजस्थान जीके के टॉपिक है। वेरियस रिलीजियस कल्चर्स, ये संस्कृति वाले जो टॉपिक है ना राजस्थान जीके में, उससे हो जाएगा। और फिजिकल फीचर, ये भी राजस्थान जीके से। फिर मिनरल एंड नॉन मेटेलिक एंड मेटेलिक वाला, ये पावर रिसोर्सेस राजस्थान जीके से करना है। इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है, तो ये ICMR काउंसिल सोसाइटी, इनके जो चेयरमैन कौन हैं, इससे इनके सब इनके बारे में पूरा पता होना चाहिए। ICMR का क्या वर्क है, बीस का क्या है, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड है, जैसे ICMR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर, इनके बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है, ठीक है। फिर जैसे इसका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, इसमें मैक्सिमम 150 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन भी 150 होंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन एक मार्क का है, ठीक है। तो ड्यूरेशन पेपर 3 आवर्स का है और क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स, मतलब सबके एक मार्क्स है नेगेटिव, वही 1/3 रहेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ओके।